फॉर राइडर्स। इधर अरबिक में लिखा हुआ है, दूसरे साइड इंग्लिश में लिखा था। और मैं आ चुका हूँ एक्सपो 2020। फाइनली इतना बड़ा सा चेक इन क्लियर करने के बाद आ चुका हूँ मैं अंदर, और ये है सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। और ये है मेरा एक्सपो 2020 का पासपोर्ट। इसमें वैसे भी कुछ नहीं लिखा, 20 दिरहम का है ये, और मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने ले लिया। अब जो भी पवेलियन जाऊंगा वहाँ का स्टैंप लगवा लूँगा, तो एक तरीके से पूरी दुनिया घूमूंगा। एक्सपो 2020 का पासपोर्ट। शूज़ के लेस बांध लो, उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इंडिया, उसके बाद दूसरे देश। और ये है दोस्तों अल वसल प्लाज़ा, जहाँ पे रात को होता है लाइट शो। पता नहीं रात तक रुक पाऊँगा कि नहीं, कोशिश करते हैं रात तक रुकने के लिए। और इंडिया का पवेलियन खोज रहा हूँ भाई, 450 मीटर्स दूर बताया तो था। फाइनली पहुंच चुका हूँ इंडिया पवेलियन। ये रहा अपना तिरंगा। ये छोटी सी लाइन है, बाकी देशों की तरह नहीं, जर्मनी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और ये है बगल में इसराइल का पवेलियन। मेरे शहर का नाम है भाई यहाँ। तो यहाँ अपने मोदी जी है भाई, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यहाँ पे इंडिया जो है वो अपना कैसे इमर्ज कर रहा है, क्या क्या नई चीज़ें हो चुकी हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, किस चीज़ में इंडिया टॉप पे है, वो यहाँ पे ये वाले फ्लोर पे बताया हुआ है। और ये फ्लोर का नाम इमर्जिंग इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा सकते हो, इधर देखो भाई। फाइनली खत्म हो चुका इंडिया का पवेलियन। ये बिल्डिंग, ये पीछे वाली बिल्डिंग जो थी वो थी इंडिया की पवेलियन। और इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहीं पे लगेगा ये स्पेस टैंप। हमारा इंडिया पवेलियन, और बगल में ही है जापान का पवेलियन। तो भाई तुरंत जापान चलते हैं। A few minutes later. भाई जापान का पवेलियन नहीं हो पाएगा यार, उनका स्मार्ट क्यू वाला सिस्टम है और आज के लिए पूरा बुक है। मैंने नहीं किया वैसा कुछ सिस्टम। Listen to this. Listen. He told the world, we are the greatest creators in the world. And tomorrow is our greatest creation ever. Let's go there. Together. Now. ये है इसराइल पवेलियन बाहर से, और अंदर का शो भाई लाजवाब था, मज़ा एकदम। '27 में यहाँ चलेंगे भाई, मिनीसोटा। और इन्होंने यहाँ पे स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्चर भी रखा है। ये था दोस्तों USA का पवेलियन, और ठीक है बढ़िया था, बट उतना खास नहीं था यार। इतना घूमने में हो रही दिक्कत, तो इसको उठा लिया जाए। अभी हमने इजराइल का पवेलियन विजिट किया, अब करते हैं पैलेस्टीन का पवेलियन। ये था पैलेस्टीन का पवेलियन, काफ़ी बढ़िया था। अपना कल्चर, फूड और बहुत सारी चीज़ों को 5 सेंसेस के हेल्प से बताने की कोशिश की इन्होंने। बढ़िया एक्सपीरियंस था, पर इजराइल जैसा नहीं कर पाया। कोई पवेलियन अभी तक इजराइल जैसा मैच नहीं कर पाया। इधर है लेबनन का, पीछे था इंडोनेशिया का, और ये है भाई साहब पाकिस्तान का। इंडिया मैंने सबसे पहले कवर किया, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी कवर कर लेते हैं भाई। स्मार्ट व्यू मेरे पास है और प्रायोरिटी एंट्री मिल ही जाएगी। स्टार्टिंग में हिस्ट्री बता रहे हैं, इंडस वैली, वैदिक एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, पूरा भाई हिस्ट्री तो अपनी वाली है यार। ये तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाला फेस्टिवल होता है भाई, होली। तो गाइस हो चुका है पाकिस्तान का पवेलियन, कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक ठाक था भाई, जो भी कल्चर दिखाया है सब इंडिया का, इंडिया से एकदम एग्जैक्टली सेम है। जो हिस्ट्री थी वो इंडिया की एकदम सेम थी। तो गाइज़ ये है एक्सपो 2020 का मैप। मैं हूँ अभी यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान पवेलियन और ये सब। अभी भाई उड़ गया। पाकिस्तान पवेलियन और इंडोनेशिया पवेलियन के पास में यहाँ पे सुबह में मैं यहाँ से एंटर किया हूँ सस्टेनेबिलिटी पोर्टल से। अभी खाने की तलाश में यार, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है खाने का एक्सपो स्ट्रीट फूड। कोशिश करते हैं कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो भाई बहुत सारे देश का भी कवर करना है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। Tajikistan done. Here is my passport. I will come again tomorrow. कल फिर आऊँगा भाई साहब। आज की ताकत ख़त्म हो चुकी है। अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ और आधा घंटा 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में। उसके बाद कुछ खाने का है।